कहा गया वो मेरे सपन की रानी कब आएगी तू, बीती चाहे जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ तू चली आ, शेरुपना की जिंदगी में चली आ। चले आऊ मैं, कहाँ हो आप? ढूंढता हूँ मैं जिसे गली गली, पता नहीं कहाँ कब मिली। ये नाला एक कहा गया, दिखाई नहीं दे रहा, चलते चलते पांव दर्द करने लगे, फोन लगाता हूँ उसे। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम शेरनी, ओ मेरी शेरनी। ये क्या हुआ? अरे फोन बज रहा था। ओ माय गॉड, पापा को लेने जाना था, मैं तो भूल गया। अरे ओ नालायक, कहाँ है तू? कहाँ गया? हाँ पापा को, हाँ पहुंच गए क्या? हाँ अरे बस मैं 2 मिनट में आया पापा को, बस वहीं वेट करिए आप, बस 2 मिनट। नालायक मैं तुझे कब से फोन लगा रहा हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रहा। पूरे 2 घंटे हो गए स्टेशन पे इंतजार करते करते, फिर मैं पैदल ही निकल आया। अभी इन भुजाओं में, इन टांगों में इतनी ताकत है कि पैदल ही सारा रास्ता नाप ले, समझा? अरे मैं ये चज्जे हलवाई के यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी आ जा। बस 2 मिनट। नालायक तेरे बाप का वही जहाज है क्या, जो तो हवा में उठ के 2 मिनट में आ जाएगा? पूरा टाइम ले पर जल्दी आ, इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, आप वो छज्जे हलवाई के वहीं खड़े हैं ना? हाँ बस 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 मैं आया पापा, बस बस। हाँ हाँ आप चिंता मत करो, बहुत फास्ट आया। जल्दी चल सिरू, वरना पापा तुझे बना की जगह बना देंगे चना। जल्दी चल चल मेरी गाड़ी, पी पी पी। अरे लगता है पापा को मैं, वो सामने नजर आ रहे हैं। अरे पापा कम, पापा कम, दो कर्ज करो कम दो। नालायक तुझे ये शिक्षा दी है मैंने कि बड़ों को इंतजार करवाता है, ले। पापा आपने तो आधे ही प्रसाद दे दिया। कोई ना पुत्र, मेरे प्रसाद में भी मेरा प्यार छिपा है, चल चले। 1 साल पहले तेरे को गाड़ी दिलाई थी, तब बड़ा बोल रहा था कि लाड़ी बना के रखूंगा, अब क्या इसको पार्टी बना दिया रे पुत्र? क्या हालत कर दी इसकी। अरे इसकी लाइट किसने फोड़ दी रे? अरे बता इसकी लाइट किसने फोड़ दी? पापा वो एक जीप वाले ने ठोक दी थी यार। साले के लठ नहीं बजाए के माथे पे, देता एक जोरदार लटकी। अरे ठोकने की तो पूछा ही मत पापा, खूब ठोका था उसको जोरदार का। आखिर बेटा हूँ ना आपका, पूरी मुझे की लाज रखी थी, खूब ठोका था उसको जोरदार का। एक चीज बता मन्ना, जब वो तन्ने सही कराने के पैसे दे दिए तो तू सही क्यों नहीं करवाई? अरे पापा वो 50 गुरुओं के साथ बैठा था ना, तो वो वेट के 69 लग गए। नालायक गाड़ी चलाते हुए थप्पड़ खाएगा। पापा थप्पड़ क्यों मारा, आप समझ गए क्या? गधे हम तेरे बाप हैं बाप, पता नहीं कितनी टीचर्स 50 और वो वेट 69 इस पेट में डकार चुके हैं। पूरा तालाब बना बैठा है समझा। और जी स्कूल में तू पढ़ रही हो ना, उसका हेड मास्टर रह चुके हूँ मैं। तभी लोग कहते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा है ना बेटा ही रहता है। लो पापा घर भी आ गया। आइए आइए पापा, पधारिए पधारिए। अरे एक मिनट बस, एक मिनट रुकिए आप। ये क्या है? क्या है ये? पापा बस एक मिनट हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया बस 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 ये पापा। ए आप क्या आप, अरे आप पहली बार यहाँ पता रहे हो ना पापा, इसलिए जरूरी है आप देखना। समझू थारी नौटंकी, ताकि थारी शादी में कोई आरती हूँ करा दूं, समझू मैं। पापा एक मिनट, पापा पहली बार पता रही हूँ, तो इसको है ना चरणों से गिरा दो तो गुड़ जाएंगे, चावल बिखर जाएंगे, तो गर्मी खुशहाली है। हर साला ड्रामे बाज, तन में कोई नई नवेली दुल्हन लग रही है कि या कहीं तो बड़ो सो मकान बनाए हुए, किराए का तो टापरो पड़ी हुए है, और ये ड्रामा वामा कर रही हुए है। चल हट हटू, हट, 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 हट
ये थारे जियान सोफा की क्या नवा निकाल रखी है? ओह नो! और ये कई हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं? बस ये लो। ये क्या था? ये ग्लूकॉन डी, ये जान में जान डाल दे पीते ही। ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन डी। नारायण, मैं वो रूम की हालत की बात कर रहा हूँ और वो कपड़ा लाकर साफ सफाई करने की बोल रहा हूँ, समझता नहीं है? अब पापा को थे ब्याह भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहीं करूँ? मत बोल। अब 30 साल का लॉन्ग डाउन होने को आया पर आपने अब तक शादी नहीं करवाई। मेरी उम्र के सारे भाईले थे परण गए और 3-3, 4-4 टावरों को लेके घूमते और मेरे क्या कुंवारे का कुंवारा। दुनिया के लिए तो भले वो शेरू बना होगा पर मेरे लिए तो तू 80 साल का हो जाएगा तो भी टाबर ही रहेगा टाबर। समझो कि कौन ही समझो। मतबल, क्या आप शेरू बना की शादी 80 साल में करोगे? कराएंगे, तेरी शादी भी कराएंगे, पर तू एक चीज बता, ये शादी का साफ सफाई से क्या कनेक्शन हुआ? मतलब पापा, शादी होगी तभी तो होगी बर्बादी। अरे मतलब शादी होगी तभी तो बढ़ेगी आबादी। मतबल पापा, शादी होगी तो घर में आएगी लुगाई और दूर होगी मेरी तन्हाई और मिलके हम दोनों करेंगे साफ सफाई सफाई सफाई। साले लगता है तभी तूने मुझे ऐसे सोफे में बैठाया जो बीच में से धस गया। बड़ी याद आ रही है तेरे को लुगाई? रुक, अभी मैं करता हूँ तेरी धुलाई, फिर बताता हूँ तुझे।